क्या आपने कभी किसी ऐसी कार के बारे में सोचा है जिसको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही ना हो? आप सोच रहे होंगे भला हम ये कैसी कल्पनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कल्पनाओं की नहीं बल्कि हकीकत की बात है। नमस्कार, मैं शिखा रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका अपने स्पेशल प्रोग्राम हाईटेक कार में। क्या आपने कभी किसी ऐसी कार के बारे में सोचा है जिसको चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही ना हो? आप सोच रहे होंगे भला हम ये कैसी कल्पनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये कल्पनाओं की नहीं बल्कि हकीकत की बात है। नमस्कार, मैं शिखा रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका अपने स्पेशल प्रोग्राम हाईटेक कार में। टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते युग में लोगों की पहली पसंद मैनुअल कारों की बजाय ऑटोमेटिक कारें होती हैं, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी सफलता के उन आयामों को छूने जा रही है जो हमारे और आपके लिए शायद आज भी महज एक कल्पना है। के आगे बढ़ते समाज में कार हर व्यक्ति की जरूरत बन गई है। समय की बचत हो या सुविधा की बात, हर इंसान की पहली पसंद कार ही होती है। दुनिया के तमाम बाजारों में महंगी सस्ती से लेकर तरह तरह की कारें मौजूद हैं। कारों में भी ऑटोमेटिक कारों का चलन ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। की जगह अब लोग ऑटोमेटिक कारों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी बड़ी वजह है ट्रैफिक। ऐसी कारों से शहरों में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक से आपको निजात मिलती है और अब कार प्रेमियों के लिए एक शानदार खबर आई है, और वो खबर है स्मार्ट कार से जुड़ी। जी हाँ, स्मार्ट कार यानी खुद से चलने वाली कार। अगर जानकारों की माने तो आने वाले सालों में सड़कों पर स्मार्ट कारें दौड़ती नजर आ सकती हैं। यूं तो गूगल ने सबसे पहले सेल्फ ड्राइविंग कारों का विकास शुरू किया था, लेकिन अब बाजार के तमाम ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस सपने को साकार करने में जुट गए हैं। इस सपने को साकार करने वाली कंपनियों की लिस्ट में टेस्ला मोटर्स, जीएम और फोर्ड भी शुमार हैं, जो जोर शोर से इसे विकसित करने में जुट गई हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ही हाल में इस दौड़ में ऑन डिमांड कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी भी जुट गई है। इसी कड़ी में उबर ने स्वीडन की एक कार निर्माता कंपनी वोल्वो के साथ 30 करोड़ डॉलर का सौदा किया है, जिसके तहत साल 2021 तक पूरी तरह से ड्राइवर रहित कार को विकसित करने का सपना पूरा कर लिया जाएगा। उबर के लिए ये काम इसलिए भी आसान है क्योंकि उबर ने सैन फ्रांसिस्को की स्टार्टअप ऑटो का भी अधिग्रहण किया है, जो ड्राइवर रहित ट्रक को विकसित कर रही है। वहीं विशेषज्ञों के मुताबिक यात्री कारें सालाना कुल 10 लाख करोड़ मील का सफर तय करती हैं और उनकी औसत रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक अनुमान के मुताबिक लोग 600 अरब घंटे का वक्त सालाना कार में बिता रहे हैं। जाहिर है ड्राइवर रहित कारों को विकसित होने में थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और विज्ञान के लिहाज से बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी भारत में बिना ड्राइवर की कार चलना ना तो साधारण है और ना ही आसान। भारत जैसे देश जहां स्वचालित तकनीक का कम प्रयोग किया जाता हो, वहां बिना ड्राइवर की कार आने में लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे देशों में आने वाले 10 सालों में यह बेहद आम बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज।
साल दर साल गुजरते सालों के साथ ही भारत में गाड़ियों की तादाद भी औसत से ज्यादा बढ़ी है, लेकिन बात जब बिना ड्राइवर की कार की हो रही हो और सामने भारत जैसा देश हो तो कुछ शक भरे सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। लाजमी इसलिए क्योंकि भारत की सड़कों का हाल किसी से छुपा नहीं है, तो जाहिर है भारत में बिना ड्राइवर की कार का चलना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। बिना ड्राइवर की कार का सपना अगर साकार हो भी जाता है तो बड़ा सवाल ये रहेगा कि ये कारें भारत में कितनी कामयाब साबित होंगी। क्या भारत में कभी चल पाएंगी स्मार्ट कारें? क्योंकि भारत ऐसी जगह है जहां लोग जरा सी सड़क का इस्तेमाल करने में भी नहीं झिझकते। यहां तो एक एक इंच सड़क का भी सदुपयोग होता है। भारत की सड़कों पर चलते वक्त अमूमन इंसान को तकरीबन एक मिनट में न जाने कितने विकल्प सोचने पड़ते हैं, क्योंकि आपके आगे चलने वाली गाड़ी किस दिशा में मुड़ेगी या फिर बिना मुड़े अचानक ब्रेक लगा देगी, इसका आप जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो जाहिर है आपके भीतर अपना रास्ता खुद निकालने का हुनर होना चाहिए। साल 2000 से लेकर 2018 के बीच हिंदुस्तान में गाड़ियों की तादाद तकरीबन 6 गुना बढ़ी है, तो सड़कों पर हर जगह गाड़ियों का दिखाई देना तो लाजमी है। लेकिन भीड़ वाली सड़कों का ये आलम महज भारत में नहीं है। चीन, ब्राजील और फिलीपींस जैसे देशों में भी अमूमन ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। बहुत सारी कार कंपनियों के लिए भारत की सड़कें तजुर्बे की जगह हैं। अब ऐसे हालातों में बेहतर यही होगा कि हम इसी में तकनीकी बेहतरी से विकल्प तलाशने की कोशिश करें। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसे ही एक सपने को सच करने की दिशा में काम कर रही है, और वो सपना, वो संभावना है बिना ड्राइवर की कार। जी हाँ, बिना ड्राइवर की कार, जिसका टेस्ट कई देशों में शुरू भी हो चुका है। अभी तक तो ऐसी कारें विदेशों में ही टेस्ट की जा रही थी, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की सड़कें बिना ड्राइवर की कारों के लिए एक अच्छा टेस्टिंग ग्राउंड साबित हो सकती हैं। हालांकि कुछ जानकार भारत में इस सपने को बेमानी मानते हैं, लेकिन फिर भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो इस तकनीक का भारत की सड़कों पर परीक्षण कर रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी है टाटा एलेक्सी। इस कंपनी ने कुछ कारें बना भी ली हैं जिनका टेस्ट हो रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि आखिर ये बिना ड्राइवर की कार चलेंगी कैसे? दरअसल खुद से चलने वाली कारें मशीनों से सीखती हैं। ऐसी कारें आंकड़ों की मदद से सामने और दाहिने बाएं तरफ से आने वाली गाड़ियों का हिसाब लगाने में काबिल होंगी। आंकड़ों की मदद से ही वो अपना रास्ता भी तय करेंगी। फिलहाल ऐसी स्मार्ट कारों को अमेरिका, जापान, चीन के कुछ शहरों में आजमाया जा रहा है। टाटा एलेक्सी की करें तो टाटा ने सड़कों पर भीड़ के ये आंकड़े जर्मनी की कंपनी कार्लसरू से लिए हैं, जो भारत से हर मायने में अलग होती हैं। देखा जाए तो विदेशी सड़कों के आंकड़ों में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, स्कूटर, बाइक, यहाँ तक कि जानवरों के आंकड़े भी नहीं होंगे, मगर भारत की सड़कों पर इनकी भरमार है। भारत में ये समस्या इसलिए भी जटिल होती है क्योंकि यहाँ लेन में कोई नहीं चलता, तो जाहिर है ऐसे हालातों में टेक्नोलॉजी या आंकड़े भला क्या कर पाएंगे। जाहिर है इस लिहाज से तो भारत की सड़कों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई सेल्फ ड्राइविंग कारें बहुत मुश्किल हालात झेलने के लिहाज से तैयार की जाएंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। बात जब स्मार्ट कारों की हो रही हो और कार जब बिना ड्राइवर के होगी तो जाहिर है ऐसी कार को सुरक्षा के नजरिए से लैस भी किया जाएगा, क्योंकि आंकड़ों से चलने वाली इस कार में दुर्घटनाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब इस कार को बनाने में जुटे शोधकर्ता इसे एक ऐसी तकनीक से नवाजने जा रहे हैं जिससे ये खुद अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगी। प्रति लोगों की दीवानगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनियां बिना ड्राइवर के चलने वाली कारों के निर्माण में जोर शोर से जुट गई हैं। लेकिन हाईटेक कार प्रेमियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
क्योंकि ड्राइवर रहित कार बनाने में अभी तक पूरी तरह से किसी कंपनी को सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम, और इसी उम्मीद को लेकर विशेषज्ञों ने भविष्य की इस तकनीक को और सुरक्षित बनाने के लिए बिना ड्राइवर की कार में लेजर किरण का प्रयोग किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने लेजर किरण के जरिए बिना ड्राइवर की कार को आंख लगाने की कोशिश की है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर मैथ्यू ओटूल ने कहा है कि ड्राइवर वाली गाड़ियों में भी कई बार सड़क पर अचानक कोई चीज सामने से आ जाती है। रास्ते पर चलते समय कई बार पीछे छिपी चीजें भी नजर नहीं आती और इनके अचानक सामने आने से दुर्घटना हो जाती है। आंखों से जुड़ी इसी समस्या को दूर करने के लिए बिना ड्राइवर की कार में लेजर किरणें लगाई गई हैं। ये लेजर किरणें कोनों में छिपे खतरों का पता लगाने में सक्षम होंगी और समय रहते खुद की रक्षा के लिए कदम भी उठा सकती हैं। इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से कोने में छिपे खतरों की तस्वीर सामने आ जाएगी। जाहिर है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हाईटेक कार के सपने को और आसान बनाया जा सकता है। आगे आपको बताएंगे आखिर कौन सी है वो कंपनियां जिन्होंने स्मार्ट कारें बना ली हैं। आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी का वो दौर भी देखेंगे जब ड्राइविंग सीखना महज इंसानों के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर के लिए भी जरूरी होगा। लेकिन इन स्मार्ट कारों की राह इतनी आसान भी नहीं है। हालांकि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को स्मार्ट कार बनाने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी के नए नए आयामों को छू रही है। इस टेक्नोलॉजी की रेस में बाजी मारने के लिए कंपनियों में भी होड़ लग गई है। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शुमार टाटा भी ड्राइवर के बिना चलने वाली कार बनाने की दिशा में काम कर रही है। जी हाँ, टाटा कंपनी में भविष्य की इस स्मार्ट कार को बनाने का काम चल रहा है। यहाँ तक कि टाटा ने पिछले साल यूके में सेल्फ ड्राइविंग कार का ट्रायल भी किया था। टाटा की इस स्मार्ट कार पर ब्रिटिश सरकार ने 1.63 अरब का निवेश किया है। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी ब्रिटिश कंपनी जगुआर लैंड रोवर इस ड्राइवर रहित स्मार्ट कार को बना रही है। इस स्मार्ट कार को अत्याधुनिक तकनीक और सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। आपको याद होगा कैसे गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने अपने स्मार्ट कार के प्रयोग से दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों को चौंका दिया था। जिस काम की उम्मीद लोग टेस्ला, एप्पल और उबर से लगा रहे थे, वो काम अल्फाबेट ने कर दिखाया था। अल्फाबेट ने ऑटो और तकनीक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों को पछाड़ते हुए पहली ड्राइवर रहित टैक्सी को लिस्बन में लॉन्च किया था। परीक्षण के दौरान कारों ने 35 लाख मील की दूरी तय की थी। इस दौरान 14 छोटी दुर्घटनाएं भी हुई थी, जिनमें से 13 के लिए मानवीय पक्ष जिम्मेदार रहा था। सरकार का मानना है कि ब्रिटिश कंपनियां जैसे जगुआर लैंड रोवर बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी साबित होंगी। अमेरिकी सरकार के सहयोग से टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में भारी भरकम निवेश किया है। अभी तक आप एप्पल के आईफोन, आईपैड और मैकबुक ही चला रहे हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब एप्पल की सेल्फ ड्राइविंग कार आपको सड़कों पर दौड़ती नजर आ सकती हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल की बिना ड्राइवर वाली 55 कारें अमेरिका की सड़कों पर दौड़ रही हैं। यह आंकड़ा कैलिफोर्निया मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 में एप्पल के पास 27 कारें थी जो अब 55 हो गई हैं। दरअसल एप्पल का सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट साल 2017 में महज 3 कारों से शुरू हुआ था और एक साल में यह आंकड़ा 55 पहुंच गया है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि एप्पल के पास कुल 83 लाइसेंसधारी ड्राइवर हैं जो अपनी कारों को जल्द ही सड़कों पर उतारने वाले हैं। अगर एप्पल का ये प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता रहा तो जाहिर तौर पर आप साल 2019 तक एप्पल की बिना ड्राइवर वाली कार में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। इन कारों के लिए एप्पल हाईटेक रडार, सेंसर और कैमरे का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वास्तव में एप्पल की इन स्मार्ट कारों का सीधा मुकाबला उबर, गूगल और सैमसंग की अपकमिंग कारों से होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। आज भले ही स्मार्ट कार की बात महज एक सपना लगती हो, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन ये सपना हकीकत का रूप ले लेगा और आप ड्राइवर की सीट पर तो बैठे होंगे लेकिन आपको कार चलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।